विशिष्ट आवाज तिकड़ पर से शिवा जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا صدق الله العظيم. मताले हदीस के लिए मैं अब्दुल वहाब से दरख्वास्त करूंगा वो शिफ है.
उस पर हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राह नुमाई और खुद एहतसाब के हवाले से हमारी 53rd नशिस्त है। इसमें चंद में आपसे मैं कहता हूँ, जहाँ चंद दोस्त भी आ रहे हैं आपसे माशा आए तो उनको मौका मिले दोस्तों को भी सुनने का और उनको भी सुनाने का। मैं आज सुबह आते ही एक चीज़ शेयर कर रहा था कि आज से चंद साल पहले, मे बी 6-7 साल पहले, मेरे अपने ऑफिस में नौजवान जॉब करता है और उसके गांव में कोई झगड़ा हुआ और उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा करवा दिया गया। तो उसका केस अरेस्ट कर लिया गया उससे, और जबकि वो ऑफिस में सारा दिन मेरे पास रहा ऑफिस में, तो हेडमाना थाने मुझे था जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पे 150-200 अफराद गांव के बड़े मौजूदीन तशरीफ फरमा थे और वो सारे गवाही दे रहे थे कि ये बच्चा जो है, ये इंसान जो है, ये लड़ाई में शहीद था और इसने वो पता नहीं ये पकड़ा हुआ था और वो पकड़ा हुआ था। तो मैं बिल्कुल सटका गया कि ये क्या कर रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं, एक आध झूठ बोल रहे हैं, सारे इकट्ठे इतमाही तो भी झूठ बोल रहे हैं। मुझे बिल्कुल साफ जो है ना पकड़ के अजीब मेरा हाल हुआ। तो मैंने कहा कि ये तो मेरे पास सारा दिन ऑफिस में रहा, तो आप सब कह रहे वहां पे था, तो इसकी कोई बदबू या कोई इसका कोई जिन शना आ गया, और बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। लेकिन मैं अल्लाह के फैसले के ऊपर ये कहता हूँ कि अल्लाह ने जो कुरान में तरीका बताया, जब दो ग्रुपों में जब इस तरह का मामला हो कि अगर इस हवाले से मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह ताला की मेरे पे लानत हो, और अगर आप एक एक फर्द की तरफ मैंने इशारा करके कहा मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं किसी दिल से बात कर रहा हूं आप लोगों से, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह की आपके ऊपर लानत हो, एक एक फर्द का नाम लेके। आई एम सॉरी, मैं जज्बात थोड़ा हो गया और शायद हमारी थोड़ी होती भी है, हम लोग जब उस सारे में ऐसे सकते में जैसे जैसे जल्जले की कैफियत होती है और वो बिल्कुल अजीब सी कैफियत होगी, और वो ऐसा जो है फैसला मेरी गवाही के ऊपर हमारे ऑफिस के लड़के के हक में दे दिया, और वो जो इतनी भीड़ थी। तो मैंने बात पूछा आप लोगों ने क्यों झूठ बोला है, कहते हैं बहुत जी तो हम नहीं समझ आ रही साढ़ा धड़ा होता है, और मैं कहीं लाला दी धड़ा क्या मुसीबत होती है, सच बोलो धड़ा धड़ा क्या होता है, कहते नहीं तो नहीं समझ आ रही धड़े का टूरना पैदा सामने गए। मैं कहूँ कि ये मैं सिर्फ खुद एहतसाबी के हवाले से कि हमारा ओवरऑल हम सब फेस करते हैं ना, मैं भी अपने घर में फेस करता हूँ, अपने मुआशरे फेस करता हूँ, आप भी फेस करता हूँ। अभी मुझे तो बात ऐसा लगता है कि शायद हमारा एहतसाब हमारे अपने बच्चे करेंगे, हमारा एहतसाब, और मैं अपने बच्चे से रोज करवाता हूँ अपना एहतसाब। मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो मुझे फोर्स करता है कि पापा बैठ जाओ, मुझे फोर्स करता है, और बात लापरवाही होती है मोबाइल निकालने बिल्कुल बैंक उतार लिया भूल जाता हूँ, तो मुझे फोर्स करके मेरा बेटा 7 साल का भी नहीं हुआ पापा बैठ जाए। दूसरा मैं कॉन्वेंट में बेटी को ड्रॉप करता हूँ, वापसी भी एपीएस जाना होता है तो पैदल रोड से गुजरता हूँ, तो बाद तक स्पीड मेरी 10 किलोमीटर जो है ना अप होती है, और मैंने कभी तवज्जो नहीं दी कि ये स्पीड लिमिट लिखी है 50, वैसे किताब में तो पढ़ा हुआ था, ही फोर्स मी, वो देखे उधर क्या लिखा हुआ है 50 और आपने क्या लिख कर रहे हो 60 पे पहुंच गए। ये मैं छोटे से बच्चे की बात कर रहा हूँ कि वो फोर्स का यकीन आपके बच्चे भी इस तरह करते होंगे, सब बच्चे आज की जनरेशन है एक खास से बात पल बढ़ रही है, और ये चीज मैं रोज देखता हूं अपने बेटे के साथ। इसी तरह चंद दिन पहले मैं स्कूल छोड़ के तो थोड़ा शाही होकर मुझे कहता है पापा एक बात करनी है, मैं बेटा क्या करनी है, आपने जाते हुए ना फूल ले लिया, मैंने कहा मैंने फूल क्या करना है, कहता है ये फूल जाके अपने मामा को दे लिया, मैंने कहा बेटा मामा सब्जी मांगती है गोश्त मांगती है फ्रूट मांगती है, ये फूल क्या करे, वो आपसे प्यार करेगी। अच्छा मैं इसका मतलब कमी मैंने अहमद जवेद साहब का मेरे पे बहुत असर है, उनकी शख्सियत का जो इकबाल कहने वाले हैं उनका मैंने सुना और उनकी जुबान से कि इंसानी जहन की तश्कील में बुनियादी करदार नबातात और जमालियत ही हिस्सा है, जो इंसान अपने रब से ताल्लुक जोड़ना चाहता है, अपने नबी से ताल्लुक जोड़ना चाहता है, उसको नबातात से ताल्लुक जोड़ना चाहिए, उसको जमालियत ही हिस्सा पैदा करनी चाहिए, और इंसान के अंदर ऐसी ऐसी अनमोल तरीके से चेंज आती है कि इंसान बदलता है।
तो ये बात मैंने बहुत पहले सुनी थी उनसे, और मैं जब अपने बिजनेस के लिए बाहर जाता हूँ तो जाहिर क्लब या फूल क्लब नहीं जा सकता, मैं उनके जू में चला जाऊंगा, उनके टेंपल्स में जाऊंगा, उनके वो कब्रिस्तानों में जाके बैठूंगा कितने घंटे, उनके घरों में शादी में जाऊंगा। तो जब उनके सब में बैठता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे इंसान है वो, मेरे जैसे जज्बात है, मेरे इस तरह महसूस करते हैं। एक और बात सुनाता हूं आपको, आई डोंट नो रेडीमेड है कि नहीं, मेरे पास दिल में आ गई मैंने आपसे करनी बात। मैं बैंकॉक से ताइवान पहुंचा तो वहां पे पार्टी अच्छा लगा बिजनेसमैन से, वो पांच छह लड़कियां इकट्ठी हो गई, मिस्टर असद आप थाईलैंड से आए हो, मसाज बड़ा अच्छा होता है, मैंने मसाज कराया होगा। मैंने उन्हें कहा कि मैंने मसाज नहीं कराया। क्यों? मैं कहा मुझे मसाज की तलब होती है तो मैं अहलिये को रिक्वेस्ट करता हूं, अहलिये को तलब हो तो मैं तो नहीं कर देता। एक इनके अल्फाज थे, काश तो मेरा हस्बैंड होता। और उससे मैंने ज्यादा लगा कि ह्यूमन जज्बात जो है ना वो एक ही तरह के हैं, वो एक ही तरह महसूस करते हैं, वो अच्छाई बुराई यानी बेहयाई या हया का अंसर वो बड़े बाहर करते हैं। इसी तरह जिंदगी के मुक्ति पहलुओं पे हम सब तजर्बात करते हैं, से गुजरते हैं, सीखते हैं। और मेरा अपना एहसास है कि अगर तब सादक हो, अगर मेरे में वो बीज वो कैफियत पैदा कर दे, वो ख्याल जो है ना उसे पनपने दूं, मैं सिर्फ उसको बाहर ना रखूं, क्योंकि बाहर बड़ा बीज चुग लिया जाता है, बीज वो मिट्टी के अंदर जाता है, वो टूंगरता है, वो छोटी सी गुठली जो है ना तना और दरख्त की शक्ल तैयार करती है। अगर मेरा ताल्लुक अपने दीन से है, अपने रब से है, अपने नबी से है, तो मैं उसको अलाइव करूं, मैं उसकी सीरत को अपनी जिंदगी का जुज बनाऊं। मेरे में बहुत सारी कमजोरियां हैं, हम सब में होती है, तो हम लोग एक एक करके चुने, एक एक करके एड्रेस करें और चुने, और उसके अंदर वो निखार लाए जो एक मंजरे मतलूब है कि जो हम सुनते हैं कि वो पत्थर भी रोते थे, वो लकड़ी दरख्त भी रोते थे, वो कमी महसूस करते थे। इसका मतलब है कि रहमतुल आलमीन का ताल्लुक इंसानों से बढ़ के उसकी मखलूकात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, ये मेरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। असल में शायद छोटा मुंह बड़ी बात, सोसाइटी की तमीर हमारी शायद बड़ी मुख्तलिफ कर दी गई है। सोसाइटी की तमीर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, फराइज भी होती है, हकूक पे नहीं होती है। अगर हम सब, अगर टीचर पढ़ाएगा तो किसी का हक अदा हो जाएगा, अगर डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा वो किसी का हक अदा हो जाएगा। हम सब अपना अपना काम करें, हर गाड़ी का पुर्जा अपना अपना काम करे, गाड़ी बेहतरीन चलेगी। हम सब दूसरों को करना चाहते हैं, हम खुद नहीं होना चाहते, और यही शायद हमारा ड्रॉबैक है कि हम लोग जब तक हर फर्द अपने अंदर की रोशनी नहीं लाता, अपनी जिंदगी की किताब के सफात को ये ऐसा तहरीर नहीं करता कि वो रोल मॉडल बने और वो किताब जो जिंदगी की है वो एक टाइटल हासिल करे। जिस तरह आप बड़ी शख्सियात सियालकोट के अंदर बात करते हैं कि यहां पे मोहम्मद अली कादर भी साहब बहुत बड़ा नाम थे, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। इस तरह हकीम तो है साहब थे, अल्लाह ताला उन पर भी रहमत करे, मगफरत करे उनकी भी। शाह मोहम्मद साहब का नाम आता है। इसी तरह यहाँ पे सियालकोट के अंदर हकीम अब्दुल हई साहब के अलावा हमारे जो बड़े नामों में आता है, उनका नाम क्या लेते हैं, जो आलू स्वीट चौक में सबके नाम इनका हकीम हादम सफारी साहब, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। इस तरह हमारे और स्टाफ के अंदर अमाम साहब वाले बुजुर्ग हैं, इस तरह और जो बड़े बड़े नाम है। अब ये नाम अब कितने हैं, क्या मेरे आपने क्यों नहीं निकलते, हमारे अंदर से वो चीजें क्यों कैफियत नहीं बनती? वजह यह कि हम शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं करते। बीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी पोजिशन जाए उसको मट्टी में मुनासिब जगह पर होना चाहिए, वो पुंगरेगा और बड़ा दर्द बनेगा। इसी तरह इंसान जो उसका बुनियादी जिम्मेदारी या उसका तकाजा है अगर वो अदा करता है तो यकीनी तौर पर उसको डिलीवर करने की जगह पर आ जाता है। और ये चीजें शायद हमें सबको अपने आप से सवाल करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए जिंदगी के अंदर। और ये चीजें जितना जितना हम महसूस करेंगे सर, उतना उतना हम मुआशरे के लिए भी बेहतर इंसान बनेंगे और अल्लाह ताला की रजा के लिए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए, उनके उसमें के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए हम एक पूरी कायनात के अंदर उनके नुमाइंदे हैं। और नुमाइंदे बनने का हक तब तक अदा नहीं हो सकता कि इंसानों से बढ़ के हम मखलूकात में जाए।
कभी हम लोग यकीन करें गुजरावाला से गुजरते थे, अब तो वो किरणावाद रोड बन गई है, वो इतनी साफ सुथरी नहर और सारा सीवरेज उसके अंदर डाला हुआ है। अब बड़े बैठे हैं पुल एक के पानी के अंदर साफ सुथरा था ना, जो हमें मछलियां पकड़ते थे। अब ये हमारे सामाजिक रवैये हैं, ये भी फ्राइज है, उसी तरह फ्राइज है जिस तरह रमास फर्ज है। रोड का मामला हर अच्छा काम जिस तरह डॉक्टर फारूकी साहब से मैं कभी इस तरह की बातें करता था, वो कहते हैं देखो बेटा इल्मे नाफे और इल्मे गैर नाफे, ये हमारे यहाँ जो दीनी और बेदीनी इल्म की तकसीम है बिल्कुल गलत है। इल्मे नाफे जो हर वो कायनात की अच्छी चीज जो अल्लाह ताला की तरफ से अपने पैगंबरों के जरिए इंसानों के लिए लाई गई वो दीन है, और इसी तरह जो इंसानों के लिए शर है वो बेदीनी है। पर मैं थोड़ी सी सॉरी जो भी मेरे कर दी, मैं आगे बढ़ाता रहा हूँ तो अपने प्रोफेसर मुबारक साहब का दरख्वास्त करता हूँ, सदर मदरसा साहब तशरीफ लाए स्टेज के ऊपर, आगे हम लेकर चलते हैं प्रोग्राम को। डॉक्टर यूसुफ की सर प्लीज आइए, और दो साहब सर प्लीज वाइस प्रेसिडेंट है जी हमारे सीनियर स्टडी सेंटर के, हम आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। बन सबसे अहम चीज यह है कि हम सर अपनी अपनी जगह पे अल्लाह के नबी के नुमाइंदे हैं, हमें उस एहसास को कोई दुनिया का इंसान करे या ना करे अपने अंदर के उस बीज को जो ये अल्लाह ताला ने सर अपने सर के अंदर छुपा के रखा है इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने अंदर दी हुई सलाहियतों को तलाश करना चाहिए। वो सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए पैदा की है, हर कायनात की तखलीक का वो मकसद है और उस बुनियादी मकसद के अंदर दूसरी मखलूकात को फायदा पहुंचाना, दूसरों के लिए ज्यादा बेहतर होना। तो ये सवाल अगर हम सब अपने से करें कि हम इस कायनात को इस मुआशरे को इस दुनिया को क्या दे रहे हैं, हम लेने का मामला बाद में आएगा, पहले दे क्या रहे हैं। अगर हम सब अपनी जिम्मेदारी अदा करनी शुरू कर दें, अपनी ड्यूटीज अदा करनी शुरू कर दें, तो वो इस मुआशरे को इतना खूबसूरत बनाएगा कि ये खुद मुआशरा आपको जन्नत की शक्ल बन जाएगा। अब दो खूबसूरत बातें करता हूं आपसे, तो भी मुझे अपनी जेहन में आ गई। लास्ट टाइम डॉक्टर असद बली साहब बैठे हुए हैं, मुझे कह रहे हैं यार हफ्ता एक बार है, चलो जरा पायलट स्कूल चलते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आपको फंक्शन कराएं, मैं पढ़ा वहां पे तो मेरा दिल का नाच रहे। अब वहां गेट में एंटर हो रहे हैं तो इतनी सफाई वहां पे, गवर्नमेंट का स्कूल सफाई, बड़ा सरप्राइजिंग बात। अंदर गए हैं तो क्लासें बैठी, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, एक्टिविटी हो रही है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो बड़ा बेहतर है, कि तो बिल्डिंग थोड़ा हंसता है, कोई नहीं वो तो हो जाएगा, लेकिन ये खुशी हो रही है कि कोई वाली बार है जेड़ा कुछ वरना मैंने तलीमी इदारों का जो हाल हो गया, और इतनी वो खुशी का बायस बना कि अब कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ। इसी तरह उसी स्कूल के बाहर मैं एक दिन अपनी अहलिया के साथ गुजरा था, और ख्वाहिश सफर जो फ्लाई ओवर है उसको चढ़ने से पहले मेरी अहलिया मुझे तवज्जो दिलाती है, सर वो देखे जो रेड़ी वाले खड़े थे उन्होंने हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे, जो छलियां बेच रहा है, जो चाट या मूली बेच रहा है, और ये बात हमारे इधर एक बड़ी गैर मामूली सी बात है, ये बड़ा खुशगुन तजर्बा है। अगर रियासत और उसके इदारों ने बेहतरी का फैसला किया मुबारकबाद का मुस्तहिक है, इसको उनको रियासत को चाहिए, जिस तरह आयशा मुमताज ने बेहतर काम किया उससे इन्वायरमेंट बनता है ना, हम तनकीद ही हरम करते हैं, तो जो काम अच्छे हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इसी तरह दूसरा तजर्बा मुझे हो गया सिविल हॉस्पिटल का, आप सब जाकर विजिट कर सकते हो, वह कैंटीन के ऊपर टोपियां नहीं है, सफाई 60-70% बेहतर महसूस हुई है, खराबियां तो है बेतहाशी हमारे ओवरऑल। बाकी दूसरा पहले वहां पे 8-10 पेशेंट से पूछा कि जनाब आपको यहां पे पहले हालांकि बड़ी मशहूर मयूसपुर खबरें सुनते थे वहां पे, लेकिन इस जितने पेशेंट से मिले हैं हर पेशेंट को बेड प्रॉपर किया गया है, हर पेशेंट को मेडिसिन दी गई है, ये मैं आपको पर्सनल आपको भी दोस्त जाके चेक कर सकते हो। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि आपका क्या है, हाँ भाई फलानी पार्टी का तो आप उसको कह रहे हैं, ये इशू नहीं है यार, ये इलेक्शन तक है। मैं कि यार इलेक्शन तक है ये नहीं है इशू है, अच्छा काम हुआ उसको कहना चाहिए अच्छा है, अलबत्ता ये इसको मुस्तकिल होना चाहिए, हमारे इदारों को भी चाहिए कि अपनी देखिए अगर सेहत का इदारा अपना काम करेगा लोगों को कितना उसका फायदा होगा, एजुकेशन का इदारा काम करेगा सोसाइटी को डिलीवर होगा ना, जब सारे काम नहीं करते तो उससे एक हिजान पैदा होता है, एक मुआशरे के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसी तरह मेरा कहना है कि हम जहां बैठे हुए हैं हर फर्द रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी हद तक अपनी जिम्मेदारी अदा करे, वो मामला करे जो एक इंसान को करने चाहिए, जो अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। बाकी इन डिटेल मुहतरम डॉक्टर यूसुफ फारूकी साहब तशरीफ लाए हैं, क्योंकि इनका मौजूद था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बुनियादें और उसूल, तो उसमें एक पहलू जो था जिसमें डॉक्टर साहब का ख्याल था कि हमें तवज्जो ज्यादा देनी चाहिए और हमारे मुआशरे को उसकी बहुत जरूरत है, और मुझे पता है मुझे सब अक्सर तो दिलाते हैं कि इतने स्किल मौजूद की तरह
आप बेसिक चीजों को बुनियादी चीजों को लाओ ताकि वो चीजें एड्रेस हो और वो चीजें बेहतरी के बाइस होती हैं। तो उसी पे आज मोहतरम डॉक्टर यूसुफ फारूकी साहब की गुफ्तगू है, लेक्चर है उनका, और इसे दरखास्त करता हूं डॉक्टर साहब आप तशरीफ लाए प्लीज और प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। मोहतरम सदर मजलिस, थिंकर फॉर्म्स के मुंतजिमीन और मुअज्जज हाज़िरीन किराम, आज का मौजू हमारा इस लिहाज से बहुत अहम है कि हम सीरत तैयबा और उस्वा हसना के हवाले से खुद एहतसाबी या मुहासबा नफ्स पर गुफ्तगू करेंगे। और ये मुहासबा नफ्स असल में एक बहुत ज़रूरी अमल है कि जो इंसान की शख्सियत के अंदर एक निखार मुसलसल पैदा करता रहता है। लेकिन हम मुहासबे से पर गुफ्तगू करने से पहले दो बुनियादी तस्वुरात हैं जिनकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा। हमारे एहतसाबी, एक तो इंफरादी एहतसाब है, एक इज्तिमाई या इदारों की जानिब से एहतसाब है। उसके अंदर बसा औकात हम बहुत सी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं और हमने ये समझ लिया है कि एहतसाब शायद सिर्फ सज़ा का नाम है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सज़ा का नाम नहीं है। इसके साथ दो बुनियादी तसव्वुरात आप देखेंगे कि शरीयत में मुसलसल चलते हैं। एक तसव्वुर यह है कि इंसान की शख्सियत में मुसलसल इम्प्रूवमेंट या एडवांसमेंट होती रहनी चाहिए, उसके अंदर एक बेहतरी का लेवल जो है वो मुसलसल आए। तो इम्प्रूवमेंट जो है वो एक बहुत अहम है जिसको हम कहते हैं इर्तिका। आपका इंटेलेक्चुअल इर्तिका है, फिजिकल इर्तिका है, जो भी है वो एक इर्तिका की कैफियत रहनी चाहिए। ये इर्तिका कैसे आएगा उसका फिर सारा का सारा इल्म इंसान के पास होना चाहिए। दूसरी फिक्र है इस्लाह, असल मकसद इस्लाह। हम खुद एहतसाबी की तरफ आते हैं तो उसका मकसद भी इस्लाह है। ये किसी को कंडम करना या किसी की तौहीन और तजलील करना ये असल मकसद नहीं है। असल मकसद है इंसान की इस्लाह, और इस्लाह के फिर हमें तरीके ढूंढने होंगे, हमें क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। बसा औकात कुछ असबाब ऐसे पैदा हो जाते हैं जिससे इंसान के अंदर कुछ ऐसे रिएक्शंस पैदा होते हैं कि उन रिएक्शंस की वजह से इंसान एक गलत काम कर बैठता है। तो अब हमारी ये जिम्मेदारी होगी कि हम उन असबाब को दूर कर दें, उन असबाब को समझे। तो ये दोनों चीजें इर्तिका और इस्लाह, इन दोनों को आप सामने जहन के अंदर रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये एहतसाब का जो मौजू है ये ज्यादा बेहतर तौर पर हम समझ सकेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार सलाहियतें दी है। ये सलाहियतें बहुत अहम हैं। इन सलाहियतों का इदराक क्या हमने अपने बच्चों के अंदर पैदा किया या नहीं किया? और इतनी बेशुमार सलाहियतें हैं कि इंसान उन सलाहियतों को पूरी तरह इस्तेमाल भी नहीं कर पाता है। अगर माहिरीन नफ्सियात हो तो उन्हें शायद ज्यादा मालूम होगा कि इंसान के ब्रेन के अंदर जो सलाहियतें हैं इंसान का तो अभी इदराक ही नहीं, कहां इस्तेमाल कर पाता है जी? वो अच्छे से अच्छे लोग जो हैं 10% 12% अपनी दिमागी सलाहियतों का इस्तेमाल करके दुनिया से चले जाते हैं, और 90% तो उनकी सलाहियतें अभी उन्होंने कोई काम ही नहीं दिखाया। तो उसकी वजह यह है कि हम अपनी अंदरूनी सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने पैदा दी हैं हमें, हमें उनका सही इदराक नहीं है। अगर उनका इदराक हो जाए तो फिर अपने माशरे की तहजीब, उसकी इस्लाह, उसकी तामीर, तरक्की, इसके अंदर हमारी रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। फिर हम
वो कछुए की चाल चलने वाले नहीं होंगे बल्कि हमारी रफ्तार बहुत तेज होगी और फिर तामीर की तरफ होगी। असल चीज ये है कि हम तामीरी राहों के ऊपर अपनी सलाहियतों को लगा लें और इंसान के अंदर जो एक शर की सलाहियत है उसको हम मिनिमाइज इतना कर दें कि वो इंसान उनका इस्तेमाल न कर पाए। इसी वजह से इल्म नाफे की भी बात होती है कि इल्म नाफे तो असल में सोसाइटी को हमने फायदा पहुंचाना है तो सोसाइटी को फायदा पहुंचाना तो जब भी होगा कि जब आप मनफात का बख्श काम करेंगे। एक तबीब अगर कोई अच्छी दवा ईजाद कर देता है तो ये इल्म नाफे है और मरीजों को जितना फायदा हो रहा है ये उसके लिए सदका जारिया बनता चला जा रहा है। एक प्रोफेसर नई थ्योरी लेकर आ रहा है वो थ्योरी कि जो शख्सियत और किरदार साजी के अंदर मुफीद साबित होगी तो उसके लिए तो ये एक सदका जारिया बन जाएगा। तो हर शोबे जिंदगी में हमारे पास मैदान तो मौजूद हैं उनमें काम करने की जरूरत है। अच्छा अब आगाज कहां से होगा? आगाज को देखना होगा कि हम अपना काम का आगाज कहां करें से करें। कुरान हकीम और अहादीस नबवी जो है वो हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाती हैं कि इंसान अपने एहतिसाब का अमल तो बिल्कुल शुरू से आगाज से चलता है। तो ये कहां से आगाज करें हम अपने एहतिसाब का? तो उसके अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी अहम हदीस है और उन्होंने अपनी हदीस की किताब अलजामिउस सहीह का आगाज ही उस हदीस से किया है। गोया इमाम बुखारी का लगता है कि वो खुद भी अपना एहतिसाब कर रहे थे कि मैं दिया जायजा ले लूं कि मेरी नियत इस किताब लिखने से क्या है। इस किताब लिखने से मेरी नियत लोगों को इल्म पहुंचाना है और लोगों की इस्लाह करना है तो इसका मतलब मेरी नियत दुरुस्त है और अगर कोई और गलत शामिल हो गई नियत तो फिर मेरी नियत सही नहीं होगी। तो ये रिवायत भी बहुत मजबूत रिवायत है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको रिवायत किया है कि इन्नमल आमालु बिन्नियत وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَتْ إِلَيْهِ کہ اعمال کا سارا کا سارا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر کسی شخص نے ہجرت کی نیت कि अल्लाह और उसके रसूल की रजा और खुशनुदी के लिए तो वो अल्लाह के यहाँ मकबूल है और अगर उसका मकसद कुछ और है दुनिया कमाना है और मकासिद है दुनिया कमाने के अंदर भी नियत का बड़ा दारोमदार है वो दुनिया भी नेक काम के लिए कमा रहा है तो फिर वो दुनिया नहीं रही बल्कि वो भी दीन ही का हिस्सा बन गया है तो वो भी इबादत के अंदर आ जाएगा। तो आपके आमाल के लिए नियत जो है इसका सबसे पहले जायजा लेना बड़ा जरूरी है कि हम अपनी नियतों का जायजा लेते रहें कि नियतों ही के ऊपर सारी जिंदगी का दारोमदार है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ये इन्होंने एक अस-सुनन के नाम से हदीस का एक मजमुआ मुरत्तब किया जो सिहाए सित्ता में शामिल है। तो वो फरमाते हैं कि उनके सामने बेशुमार अहादीस थी हजारों अहादीस थी उन हजारों अहादीस में से उन्होंने कुछ 4,800 अहादीस का इंतखाब किया कि अपनी किताब के लिए। फिर इन 4,800 अहादीस के अंदर कहते हैं कि मैंने मुस्तनद तरीन अहादीस को तो जमा कर लिया लेकिन इन तमाम अहादीस के मफाहिम और मानी पर मैंने गौर और फिक्र किया तो मैंने गौर और फिक्र किया तो मुझे 4 हदीसें ऐसी मिली कि जो इन तमाम का निचोड़ थी। उन 4 का इंतखाब करके उन्होंने उनको जिक्र किया उनमें से सरे फहरिस्त है इन्नमल आमालु बिन्नियात कि इन्नमल आमालु बिन्नियात ये एक बहुत बुनियादी
और उसूली रिवायत है, और इंसान की इस्लाह और उसके रिफॉर्म बल्कि हत्ता के उसके इर्तिकाई मराहिल के अंदर भी उसकी नियत का बहुत बड़ा अमल दखल है। अच्छा, और भी उन्होंने फिर अहादीस का जिक्र किया, उसको मैं यहां उनको मैं यहां छोड़ता हूं। अच्छा, नियत जो है इसका कल्ब से भी ताल्लुक है, दिमाग से भी गहरा ताल्लुक है। ये लिहाजा इसकी नियत का मतलब यह है कि हम अपना दिमाग की में जो सोच और फिक्र आ रही है उसको भी और अपने दिल दोनों की तरफ तवज्जो करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतला दिया है कि अला इन फिल जसद मुस्वा इज़ा सलहत सलह अल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदत अल जसद कुल्लु अला वहिय अल क़ल्ब, के दिल के इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है जो कल्ब कहलाता है, अगर वो दुरुस्त है तो सारा जिस्म दुरुस्त है, और अगर उसमें बिगाड़ पैदा हो गया तो सारे जिस्म में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। और ये याद रखो वो कल्ब है, लिहाजा कल्ब की बहुत फिक्र करनी है। अब इसके अंदर रूहानी बीमारियां हो या जिस्मानी बीमारियां हो, दोनों का हमने ख्याल रखना है कि इन दोनों से, तो गोया हम जब अपनी नियत की तरफ तवज्जो करेंगे तो हम अपने कल्ब की तरफ भी तवज्जो करेंगे और अपने दिमाग और अपने अफकार का भी जायजा लेंगे कि हमारी फिक्र के अंदर कहीं गजी तो नहीं है, कहीं कोई खामी तो नहीं है। ये इंसान को एक मुसलसल करते रहना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हम मनहज देखते हैं तालीम का, तो उस तालीम के मनहज के अंदर हमें जो सर फहरिस्त चीज नजर आती है वो तो तज़किए नफ्स है। और तज़किए नफ्स क्या है? तज़किए नफ्स भी सारा का सारा मुहासबा है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि मुरब्बी भी हैं, तो लिहाजा हर शख्स का उसके मिजाज उसकी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक इलाज करते हैं। वो हदीस में आता है कि नहनु मआशिरुल अंबिया नुकल्लिमु नास अला क़द्र उकूलिहिम, हम तो लोगों के इंटेलेक्चुअल लेवल के मुताबिक उनसे गुफ्तगू भी करते हैं और उनसे मामला भी करते हैं। तो गोया इसका मतलब यह है कि लोगों के इंटेलेक्चुअल लेवल को समझना जरूरी है। हम अपने बच्चे के लेवल को नहीं समझते तो उसकी तरबियत कैसे करेंगे? ये मुहासबे का अब अमल जो है ना, हम उसकी तरबियत ऐसे करें कि वो खुद ही अपना मुहासबा करने लगे कि कहाँ मुझसे गलती हुई। जिस तरह बाप बड़े अच्छे अंदाज में बच्चे को समझा देता है कि बेटा ये तुमसे गलती हो गई है जी, तो इस गलती को दूर कर लो। तो चूंकि मोहब्बत का और शफ़क़त का एक आमेजा होता है बाप की बात में, तो उसको वो सीरियसली और संजीदगी से कबूल करता है। यही लेवल हमारा घर से बाहर भी होना चाहिए कि अगर उस शफ़क़त और मोहब्बत के साथ और इखलास के साथ हम किसी को समझाएंगे तो उसकी बात समझ में आएगी। हर जगह छड़ी जो है वो काम नहीं करती। या मुझे हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक मकूला याद आ रहा है, बड़े फकीह भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे। वो कहते हैं कि अल्लाह के बंदों की हालत तौबा के जरिए बदलती है, उसके हालात तौबा के जरिए बदलते हैं, तलवार के जरिए नहीं बदलते जी। हम तो हर वक्त स्ट्रिक रखते हैं स्कूलों में भी और घरों में भी जी, और जहां किसी से गलती हुई हो उसको सजा दे दी, तो स्ट्रिक से नहीं हालात बदलते, हालात बदलते हैं तौबा से जी। अब तौबा क्या है उसकी तफसील का तो यहाँ वक्त नहीं है, लेकिन तौबा भी एक किस्म का, मैंने बताया था ना कि इसके अंदर तौबा के अंदर तलब भी है। तौबा का मतलब है कि तमाम नेगेटिव जो सोच और फिक्र है उसको निकाल बाहर करके अपने अंदर पॉजिटिव फिक्र को पैदा करना, मुस्बत और तामीरी फिक्र को अपने अंदर पैदा करना, और मनफी जितने पहलुओं को निकाल देने का नाम तौबा है। तो ये हमारी तरबियत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों का तज़किया करते थे, वही ज़कीम, ये सबसे पहले तज़किए नफ्स के बाद फिर आगे है तालीम किताब तालीम सुनना, ये सारी बाद की चीज़ें हैं, लेकिन पहले नफ्स का तज़किया हो जाना चाहिए। और जब नफ्स का तज़किया हो जाएगा तो फिर इंसान
के अंदर एक निखार पैदा होगा, उसके अंदर एक खूबी पैदा होगी, और उस खूबी की वजह से उस न सिर्फ ये कि उसकी अपनी शख्सियत के अंदर एक निखार पैदा होगा, बल्कि वो माशरे के अंदर एक खुशबू लेकर जाने वाला होगा। माशरे में जहां भी जाएगा, जहां बैठेगा, उसके असरात खुद ब खुद फैलने लगते हैं। तो अब तज़किया नफ्स के अंदर एक बात और भी है, वो ये कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किया फरमाते थे तो वो तशखीस भी करते थे कि इसके अंदर बीमारियां क्या है। जिस तरह एक अच्छा तबीब और अच्छा हकीम जो है वो नब्ज देखकर बीमारी की तशखीस करता है और फिर उसका इलाज करता है, इसी तरह मुज़क्की और मुर्शिद जो होता है वो भी पहले तशखीस करता है कि इसके अंदर बीमारी क्या है। तो कल्ब की बेशुमार रूहानी बीमारियां हैं, उन रूहानी बीमारियों को अगर हमने ना निकाला तो फिर तो इंसान की इस्लाह नहीं हो सकती। तो अमराज कल्बिया की तशखीस करना बहुत जरूरी है, और उनमें सर फहरिस्त तकब्बुर है जी। ये इंसान के अंदर तकब्बुर जब होता है तो फिर वो इंसान ना आगे का अच्छे काम कर सकता है, ना नुमाया को खिदमत अंजाम दे सकता है जी। निफाक है, रिया है, बोझ है, हसद है, हिर्स है, तमा है जी, बुखल है जी, ये तासुबात हैं जो इंसान के अंदर, उसके कल्ब के अंदर ये बीमारियां होती हैं। और अब ये घर के अंदर बड़ों का या मुअल्लिम का ये जिंदगी ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों के दिलों से इन बीमारियों को निकाले। जब ये बीमारियां निकलेंगी तो फिर इसके बाद इबादात कल्बिया उसके कल्ब में मुजागर होना शुरू होंगी, फिर उसके अंदर इखलास भी पैदा होगा, उसके अंदर सब्र का जज्बा भी पैदा होगा, तकवा भी पैदा होगा। इसी तरीके पर सब्र है, शुक्र है, कनाअत है, सिर्फ है, इस्तेकामत है, तहम्मुल है, बुर्दबारी है, ये सारी चीजें उसकी शख्सियत का हिस्सा बनती चली जाएंगे। और यह याद रखिए कि जब शख्सियत के अंदर ये खूबियां पैदा हो जाती हैं तो वो शख्सियत कमाल की तरफ बढ़ने लगती है। और अंबिया अलैहिस्सलाम आते ही इसलिए हैं कि इंसान के अंदर कमाल पैदा करें जी। जब जिस शोबे जिंदगी में है उस शोबे जिंदगी में एक मोमिन को कमाल ही हासिल होना चाहिए जी। इबादत जब अदा करने हो, खड़े हो, तो इबादत में कमाल पैदा कर दीजिए। और जब आप दूसरे शोबों में, आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं ना, आप इंडस्ट्री ऐसी क्यों ना लगा दें कि उसकी क्वालिटी को कोई दूसरा ना पहुंच पाए। फसल खैरात में ये भी दाखिल है कि आप क्वालिटी को मेंटेन करें और उसकी कीमतों को भी मेंटेन करें। ये सारी की सारी चीजें हैं। एक तबीब है, एक मुअल्लिम है, उसका अपना अपना मैदान है। अपने हर मैदान में हर शख्स जो है वो फिर कमाल की तरफ बढ़ने लगता है। और यही मतलूब है तज़किया से कि इंसान का जब तज़किया होता है तो फिर वो इंसान जो है कमाल की तरफ बढ़ने लगता है। एक मैं मिसाल दूं, आप देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तरबियत का अंदाज ये होता था कि एक शख्स इंतहाई बिगड़े माहौल से आता था और उसका कोई लेवल नहीं होता था, लेकिन चंद रोज सोहबत में रहकर उसमें ऐसी तब्दीली आ जाती थी जिसकी कुछ हद नहीं। मिसाल के तौर पर हसन बसरी का अभी मकूला मैंने आपके सामने सुनाया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हजरत यसार गुलाम थे। अब अंदाजा कर लीजिए कि गुलाम के पास तो वक्त होते थे, उसकी ज़हनियत क्या होगी, उसकी कैफियत क्या होगी। यसार को आजाद करने वाले हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, और हजरत ज़ैद इब्न साबित को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजाद किया था, वो तो गुलाम थे। लेकिन इसी गुलाम को किस मकाम पर पहुंचाया कि आज ज़ैद इब्न साबित का जब नाम आता है तो बड़े बड़े मुहद्दिसीन और बड़े बड़े मुफस्सिरीन की जबीन नियाज झुकने लगती है उनके सामने। ये मकाम था, ये उस तरबियत की वजह से।
लेकिन इस तरबियत के अंदर ये उसूल जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये उसूल शामिल थे। इनकी वालदा का नाम फीरा था, इनकी वालदा भी बांदी थी और उनको हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आजाद किया था। तो अब आप देखिए कि जिस बच्चे का बाप भी गुलाम रहा हो, मां भी बांदी रही हो, उसके अंदर देखिए कि चंद ही कुछ ही अरसे में उसकी ऐसी बेहतरीन तालीम होती है, ऐसी बेहतरीन तरबियत होती है कि वो अपने वक्त का इमाम बन जाता है। आज आप हदीस तफसीर जी फिक्र जैसे जहां भी जाए हसन बसरी को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ये मैं अर्ज करना चाहता था कि ये सारी चीजें पैदा हो जाती हैं जब इंसान के अंदर तस्किए के प्रोसेस से गुजरता है। लेकिन ये तस्किए के नख का प्रोसेस जो है आज हमारे यहाँ नापैद हो चुका है, न घरों में है, न मस्जिदों में है, न मिंबरों में हराब से हो रहा है। ये हर जगह इसकी जरूरत है, दफातर में भी जरूरत है, आपकी फैक्ट्रियों में भी ये काम हो सकता है, अहले रिसालत में ये काम हर जगह, हत्ता के बाजारों के अंदर ताजिरों की सोहबत में बैठकर लोगों की इसलाह हो जाया करती है। ये प्रोसेस इसलाह का दौर जो शुरू होगा वो उसी नहज पर शुरू होगा जिस नहज पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और वो जो हदीस है ना कि अल्लाह तबारक ताला न तुम्हारे जिस्मों को देखता है न तुम्हारी सूरतों को देखता है, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। अब जब दिलों को देखता है तो इसका मतलब यह है कि हमें भी तो अपने दिल पर नजर रखनी चाहिए कि हमारा जाहिर क्या है और बातिन क्या है। हम बसावकात अपना जाहिर आम लोगों से बातें अपना आम लोगों से छुपा लेते हैं, लेकिन जो बातिन पर नजर रखने वाला है, जिसकी हर वक्त नजर है, उसके सामने तो बातिन आपका खुला हुआ है। तो अगर हमारी नजर आम लोगों से हटकर अल्लाह ताला की जात की तरफ हो जाएगी, और ये होगी जब जब हम इन्नमल आमालु बिन्नियात पर नजर रखेंगे कि हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हमारा जीना मरना सोना बैठना इबादत मामला सब एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। बाकी ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं कि वो जानना तुम शुरूबम व कबाइल लितारफु, ये जो फर्क है कि कोई ये जुबान बोलता है कोई वो जुबान बोलता है, कोई इस इलाके में रहता है कोई उस इलाके में रहता है, किसी का रंग ऐसा है किसी का रंग वैसा है, तो इससे इंसान के मकाम मर्तबे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी मकाम और मर्तबा तो किरदार से पहचाना जाता है, और किरदार जब बनता है जब नियतों की इस्लाह हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हिदायात हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं कि हम अपने इरादों को के जरिए अपने आमाल का जायजा लें, और अपने अमल अपने काम अपने इल्म अपनी फिक्र अपने अखलाक और किरदार को मुसलसल बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक बड़ा मशहूर मकूला है, अक्सर मुहद्दिसीन उसको नकल करते हैं कि हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, कि अपने नफ्स का खुद मुहासबा करते रहो क़ब्ल इसके कि कोई और अजीम हस्ती तुम्हारा मुहासबा करे। वतज़य्यनू बिल अर्ज़िल अकबर, और वो बड़े दिन की जो पेशी है उसके लिए तैयारी करो, और उसकी तैयारी उसी से होगी कि जब अपना मुहासबा करना शुरू। जो शख्स दुनिया के अंदर अपना मुहासबा करता है अल्लाह ताला के हाँ उसका हिसाब किताब बहुत आसान हो जाएगा। तो खुद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को अगर हम देखें तो आपको बहुत नजर आएगा कि वो अपना बार बार मुहासबा कर दिया करते थे। और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमाते हैं, उन्होंने हजरत आयशा से कहा मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत उमर से, और उसकी वजह यह है कि उमर जो काम करते हैं खुद ही उसका मुहासबा भी शुरू कर देते हैं,
और उसमें अगर कमी कोताही होती है तो फौरन उसकी इस्लाह भी कर देते हैं, दुरुस्त भी कर देते हैं। ये तो इसलिए मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत उमर से। तो ये तरबियत का नतीजा था ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी कि आपके सहाबा अपना मुसलसल मुहासबा करते रहते थे। आपने वो मशहूर वाकया तो सुना होगा, हजरत हंजला, हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े अहम सहाबा किराम में से हैं। एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर घर में आए बीवी बच्चों के साथ, तो वो फिर जो बीवी बच्चों के साथ इंसान लगता है तो उस तरफ दिल हो जाता है, उनकी जैसी बातें होती हैं, तो उन्हें एक एहसास उभरा बड़ा शिद्दत के साथ कि जो कैफियत मेरे कल्ब की, दिल और दिमाग की, फिक्र की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठ कर होती है, सोहबत उस किस्म की कैफियत बाकी नहीं रहती। तो बड़े परेशान हुए कि कहीं ये कोई निफाक की अलामत तो नहीं, कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। इसी परेशानी के अंदर निकल कर रवाना हुए कि मैं जाऊं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताऊं कि या रसूलुल्लाह मुझ में तो शायद ये बीमारी पैदा हो गई। इसी परेशानी के अंदर जा रहे थे, चेहरे पर परेशानी के आसार हैं, रास्ते में हजरत अबू बकर मिल गए। अबू बकर ने पूछा कि ए हंजला कहां जा रहे हो, क्यों फिक्रमंद नजर आ रहे हो? तो कहने लगे कि ना फका हंजला, मुझे तो लगता है हंजला तो मुनाफिक हो गए। तो हजरत अबू बकर ने पूछा कि हंजला क्या हुआ है, तफसील तो बताओ। उन्होंने कहा कि मैंने महसूस किया कि जो कैफियत मेरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठकर होती है वो कैफियत बाकी नहीं रहती जब मैं घर चला जाता हूं। तो अब आप देखिए कि अबू बकर भी परेशान हो गए, ये बात तो तुमने बड़ी बहुत कही है, ये बात तो हमारे अंदर भी है, हम भी अपने घर में आ जाते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, बीवियों के साथ होते हैं, तो ये कैफियत बाकी नहीं होती। तो वो भी परेशान हुए और कहने लगे कि चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, आपसे पूछें। दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि हंजला क्या बात है, तुम परेशान नजर आ रहे हो? तो वहां भी यही अल्फाज दोहराए कि या रसूलुल्लाह नाफक हंजला, या रसूलुल्लाह हंजला तो मुनाफिक हो गया। तो ये जो दिल के ऊपर है कैफियत तारी है कि मेरा मकाम जो सोहबत रसूल में बैठ कर है वो घर पर क्यों नहीं, कैफियत। तो खैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तसल्ली कराई और कहा कि नहीं, ये कैफियत तुम्हारी बाकी रह भी नहीं सकती, ये तो बहुत बुलंद मकाम है और तुम्हारे अंदर ये निफाक नहीं है बल्कि ये एहसास जिम्मेदारी है। ये तो इससे अंदाजा कीजिए कि सहाबा किराम अपनी जिंदगी का, अपने मामलात का, अपने किरदार का, अपने आमाल का कितना मुहासबा किया करते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान जब नमाज पढ़ता है तो नमाज के बाद देखे तो सही ना कि मेरी नमाज कैसी थी, है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली, वो नमाज पढ़ो जिस नमाज को पढ़ते हुए तुमने मुझे देखा। रसूल के ऊपर क्या कैफियत तारी होती थी, है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रस्म और रिवाज नहीं अदा करते थे। तो ये जब कैफियत रसूल के ऊपर तारी होती है उसको तारी करने की अगर हम कोशिश करेंगे तो एक बहुत बड़ा इंकलाब इंसान की जिंदगी में बरपा होगा। जी? और उसी नमाज के बारे में कुरान कहता है कि इतना सलात कर, वो नमाज अगर इंसान पढ़ने लगे तो हर किस्म की बुराई से, हर किस्म के जरायम से, हर किस्म की खराबियों से नमाज इंसान को बचा लेती है। इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैह की एक हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल कैसु मन दाना नफ्सहु وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ, समझदार और ज़हीन इंसान तो वो है कि जो अपने आप को पहचाने, अपने मकाम को। हज़रत अली का भी है ना कि मन आरफा नफ्सहु फ़क़द आरफा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को भी पहचान लिया। तो हम अपने आप को पहचानते नहीं, हमें गलत किस्म के अपने बारे में वो पैदा हो जाते हैं, हम अपनी तारीफ़ें फिर खुद ही करना शुरू कर देते हैं।
अपने अंदर खूबी नजर नहीं आती तो दूसरों की बुराइयां तलाश करना शुरू कर देते हैं, अच्छाइयों पर नजर ही नहीं रहते। तो अलकैसु मन दाना नफ्सहु वअमिल लिमा बाद अलमौत, और मौत के बाद की जिंदगी की वो तैयारी भी शुरू कर देता है। वल आजिज मन अतबा नफ्सहु हवा, और आजिज शख्स वो है कि जो जिसका नफ्स उसकी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे कि हम छोड़ दें हमारा नफ्स जो चाह रहा है, उसके जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उनको ही पूरा करते चले जाए। तो ये शख्स तो आजिज इंसान है, इसने गोया सरेंडर कर दिया है अपनी नफसानी ख्वाहिशात के साथ। और फिर इंसान अल्लाह ताला से उम्मीदें बांधता है कि अल्लाह ताला ये कर दे वो कर दे, तो अल्लाह ताला भी तो देख रहा है कि तुम्हारी कैफियत क्या है। तो इंसान को नमाज के अंदर देखना चाहिए कि फुल पार्टिसिपेशन हो रही है नमाज में या नहीं हो रही। फुल पार्टिसिपेशन ये है कि माइंड बॉडी और सोल तीनों नमाज के अंदर शरीक होंगी तो नमाज होगी। और महज बॉडीली आपने शिरकत की है, बाकी दिमाग कहीं और है, रूह कहीं और है, उसमें कोई कैफियत तारी नहीं हो रही, तो हो सकता है वो रस्म और आदत हो इबादत नहीं रहे। तो हमें तो इबादत का हुक्म दिया गया है, हमें आदत डालने का हुक्म नहीं दिया, हमें तो इबादत करनी है। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ये ऑथेंटिक हदीस है, और इसका मतलब यह है कि दुनिया में अपने नफ्स का मुहासबा इंसान को करना ही करना है, पर इसके इख्तियार के क़यामत के रोज अल्लाह ताला उसका मुहासबा फरमाए। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने इसी रिवायत को नकल करने के बाद ये अल्फाज भी नकल किए हैं, कुल्लु मरिइन हसीबु नफ्सिही, कि हर इंसान अपना खुद मुहासिब होता है। और बेहतरीन इसलिए कि अब आपके ऊपर कोई तनकीद भी नहीं कर रहा, बसा औकात इंसान दूसरे की तनकीद को बर्दाश्त नहीं करता। तो यहां अब अपनी खामियों को अपनी कमजोरियों को देखने की वो कोशिश करता है, और अपने आप को फिर उसकी रोशनी में वो मुसलसल इंप्रूव करता रहता है। उसका दिमाग के अंदर कुव्वत और ताकत पैदा होती है, उसकी फिक्री सोच के अंदर कुव्वत और ताकत पैदा होती है, उसके और हवास जो हैं वो ज्यादा मौसिर और अच्छे अंदाज में आगे काम करने लगते हैं। अच्छा, इसी को आप मजीद बेहतर तौर पर समझने के लिए एक हदीस और है, अगरचे उसको मुहद्दिसीन कम नकल करते हैं और सूफिया ज्यादा नकल करते हैं, लेकिन मुहद्दिसीन के हमारे जो जदीद दौर के अल्बानी हैं, नासिरुद्दीन अल्बानी, उन्होंने इसको नकल भी किया है। यह हदीस है कि मनीष तवा यौमाहु फहुवा मक्रूह, कि जिसके दो दिन बिल्कुल एक से गुजर जाए वो नुकसान है, आपका आने वाला दिन कल के दिन से बेहतर होना चाहिए, इसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आपको मजीद तजर्बा हासिल हो गया, आपके पास इल्म में वसअत आ गई, तजर्बे में वसअत आ गई, तो अब आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना चाहिए। तो दो दिन आपकी यकसा नहीं होने चाहिए, दो इबादतें बिल्कुल यकसा नहीं होनी चाहिए, बाद वाली इबादत पहली वाली इबादत से बेहतर होनी चाहिए। आपका कारोबार, आपकी तालीम, आपकी तदरीस पहले की बनिस्बत ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। ये मुसलसल एक इंप्रूवमेंट है वो इंसान के अंदर होना चाहिए। वमन काना अम्सुहु खैरुम मिन यौमिही फहुवा महरूम, और अगर आपका कल का दिन आज के दिन से बेहतर था तो आप तो सरासर महरूम। तो इंसान को महरूमियों से निकालना है और उसको इर्तिका के राह पर गामजन करना है कि मुसलसल इर्तिका रहे खूबियों की तरफ, अच्छाइयों की तरफ, इल्म नाफे की तरफ, बुराइयों की तरफ हमारा इर्तिका नहीं होगा। तो अब ये जितने देखिए इंसानी हवास में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, बड़ी वसअत है, आप अपने हवास को इतना बेहतर कर सकते हैं जिसकी कुछ हद नहीं, लेकिन उसके लिए यहां इस तरीके पर मेहनत करना पड़ेगी।
इंसान के इल्म में जूझू वसत पैदा होती है, उसके मुताबिक उसकी अमली जिंदगी भी बेहतर होती है। तो इल्म तो रुकता नहीं, इल्म कभी नहीं रुकता, इल्म मुसलसल बढ़ता रहता है। और इल्म को हासिल करने का इसलिए हुक्म दिया है कि आपका इल्म का आगाज तो पैदाइश से शुरू हुआ है और ये मौत तक खत्म नहीं होना चाहिए, महत तक चलेगा। लिहाजा कोई शख्स ये ना समझे कि मैं तालिबे इल्म नहीं हूं, हर शख्स तालिबे इल्म है जी। और वो इल्म की तलाश में रहे जहां कोई अच्छी बात मिल जाए, जैसे कि हदीस में आता है ना कि दानिश की बात जी, वो तो इल्म की बात, हिकमत की बात जो है मुसलमान का गुम करदा सरमाया है, वो जहां भी मिले उसे हासिल कर लो। अहिकमत वालतुल मुमिन अयन वजदहा फहु अहक्कु बिहा। अब आप देखिए कि हम चूंकि अपने इन चीजों से काम नहीं लेते, कुरान है कि हमें भी तवज्जो दिला रहा है कि वलकद ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिन अल-जिन्न वल-इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइक कल-अनआम बलहुम अज़ल उलाइक हुमुल ग़ाफ़िलून। कि जहन्नम तो बहुत जिन्न इंसों से हम भर देंगे और जिन्न इंसान से ये जो इन जहन्नम को हम भरेंगे तो उसमें वो कौन लोग होंगे? वो लोग होंगे कि जिनके पास अल्लाह ताला ने दिल भी दिया होगा, दिमाग भी दिया होगा, लेकिन उनसे समझने का काम नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुसलसल दिल का भी इस्तेमाल रहना चाहिए। देखिए एक तो अल्लाह ताला ने दिल का फंक्शन आपका मुसलसल कर दिया ना, वो एक लम्हे के लिए नहीं होता जी। आपके सारे जिस्म को एक्टिव रखने के लिए मुसलसल धड़कता रहता है और सारी बॉडी को खून की सप्लाई मुहैया कर रहा है जी। तो ये मुसलसल कर रहा है। अब आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, जब ये मुसलसल एक नेमत आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिल रही है तो इस नेमत का इजहार शुक्र तो होना चाहिए। वो इजहार शुक्र के किन सूरतों में होगा? इन्हीं सूरतों में होगा कि आप अल्लाह की नेमतों को दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। अब यहां इस आयत के अल्फाज में आप गौर करें तो वलकद ज़रअना लिजहन्नम लाम इस्तेमाल हुआ है, लिजहन्नम। ये लाम अरबी जुबान में आकिबत के लिए आता है, अंजाम को, नतीजे को बयान करने के लिए। तो इसका लिजहन्नम का मतलब यह है कि जो लोग जहन्नम में जाएंगे वो क्यों जाएंगे? वो इस वजह से जाएंगे कि तो उन्होंने अपने इन नेमतों से काम नहीं लिया। गोया जहन्नम नतीजा है ये अपने हवास का सही इस्तेमाल न करने का। ये कि कल्ब को भी हम इस्तेमाल करें, कानों को भी इस्तेमाल करें, अपनी आंखों को भी इस्तेमाल करें, यही तो जराए हैं, हमारे इल्म के भी जराए हैं। इन्हीं के जरिए हम इल्म भी हासिल करते हैं और इन्हीं के जरिए हम बहुत से नतायज अख़्ज़ करते हैं। हमारे नतायज अख़्ज़ करने की जो सलाहियत है क्या वो भी मुसलसल इम्प्रूव हो रही है? आप ये देखिए कि अगर मुसलसल हम इम्प्रूव करते रहते तो हमारे मुल्क के अंदर बहुत तबय्युर और तब्दीली अब तक आ चुकी होती। शायद स्टैंड स्टिल कर गए हैं, रुके हुए हैं, या वो जिसे रजाते काफ्तली कहते हैं कि शायद पीछे की तरफ तो लौटे हों, आगे की तरफ हमारा कदम कम बढ़े हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आगे की तरफ कदम बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। एहतिसाब की बहुत अहमियत है शरीयत के अंदर, उसको का इस पहलू से भी आप जायजा लेते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में ये बात रख दी है कि हर इंसान चाहता है कि वो तरक्की की मनाजिल करे। ये हर शख्स चाहता है कि वो तरक्की के मराहिल को तय करे और खूब से खूब तर को हासिल करे। उसे खुशी और राहत होती है जब खूबी मिल जाती है, कोई अच्छाई मिल जाती है। आप कोई अच्छा मकाला पढ़ने आपको खुशी होती है, आप कोई अच्छा मजमून लिखने, आप कोई अच्छा तालिबे इल्म पैदा करने आपको बहुत खुशी होती है कि ये मेरे तालिबे इल्म में कितनी खूबियां पैदा होती है। आप अपने बच्चे की तरबियत करते हैं आपको खुशी होगी। तो हर इंसान जो है उसके की फितरत में ये बात है कि जब खूबी हासिल होती है तो
तो वो उसे खुशी और राहत भी मिली। नेमतों के हुसूल में भी उसकी कोशिश होती है वो आगे निकल जाए तो ठीक है। फस्तबिकुल खैरात, कुरान हकीम में अच्छे कामों का बड़ा मैदान वसी है और इन वसी मैदान में आप एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं जी। अगर आपके अंदर इखलास है और आपका की नियत साफ है तो मुस्बत अंदाज में ये किसी की टांग खींचे बगैर अगर आप और बेहतर मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसी को कुरान हकीम ने कि ठीक है, हर नेक काम के अंदर, हर अच्छे काम के अंदर आगे निकल जाओ और साबिकु इला मग़फिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्धुहा कअल्जमा, कि तुम अपने रब की मग़फिरत और उसकी जन्नत की तरफ भी सबकत ले जाने की कोशिश करो कि जिसकी चौड़ाई जमीनों और आसमान की चौड़ाई से भी ज्यादा है। तो तालीम का मकसद यह है कि ये इस मुसाबकत के जज्बे के अंदर अब आप देखिए थोड़ा सा मुहासबा भी आएगा कि मैं कैसे ज्यादा बेहतर काम कर सकता हूं जी। मैं अगर अपनी कोई प्रोडक्ट ले रख कर आ रहा हूं तो उसमें क्या क्या खूबियां पैदा होनी चाहिए जी, और मैं दूसरे को कैसे गाइड कर सकता हूं कि वो उसकी प्रोडक्शन में भी इंप्रूवमेंट आ जाए। इसलिए कि आप सबकी प्रोडक्शन का मकसद इंसानों को बेहतर चीज मुहैया करना है, तो ये किसी की इजारादारी नहीं। असल में हमारा हम सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो गया कि हमने इजारादारियां कायम कर ली। इल्म पर इजारादारी यूरोप वालों की है तो लिहाजा वहां ताले लगा दिए गए, आप बहुत से कॉलेजों में दाखिला नहीं ले सकते, बहुत सी यूनिवर्सिटियों में नहीं जा सकते ना? तो फिर जो है वहां वो रॉयल्टी का जो तसव्वुर है, हमारे यहां तो कभी रॉयल्टी का कोई तसव्वुर नहीं रहा। इल्म सब के लिए एक ही उस्ताद की किताब उसके 12-12 वर्षन मिल जाए। इमाम मालिक की मुअत्ता के बेशुमार वर्षन मौजूद है। एक मुअत्ता इमाम मालिक की एक किताब जो है मुअत्ता इमाम मोहम्मद कहलाती है। ये इमाम मोहम्मद शागिर्द थे उनके, उन्होंने अपने इजाफे भी किया, अपनी राय का इजहार भी किया, उसमें कोई इजारादारी नहीं है। किसी इमाम मालिक ने कभी मना नहीं किया कि मेरी किताब में कोई तसर्रुफ ना करो। ये इल्म को एक अच्छे अंदाज में, और वो इसका इकरार करते हैं कि ये मेरे अफकार, मेरे उस्ताद के अफकार हैं, मैं अपने उस्ताद की इस फिक्र में यहां इख्तलाफ करता हूं, मेरी ये दलील है। तो देखिए मुख्तलिफ दलील को आप पढ़ेंगे, मुख्तलिफ राय को पढ़ेंगे तो आपका अपना इंटेलेक्चुअल लेवल भी तो बेहतर होगा। तो कभी मुसलमानों के यहां ये इस पर इजारादारियां कभी कायम नहीं हुई। तो इजारादारियां अगर हम कायम न करें तो हम बेहतर तौर पर लोगों की, मुल्क की और उम्मत मुस्लिमा की खिदमत कर सकते हैं। एक जगह अल्लाह ताला ने कहा कि ये तुम्हारे इब्तिला और आजमाइश जो आती है उसके अंदर भी एक आजमाइश है। वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है, ये आपको मान दौलत दिया है, जिस्मानी सेहत दी है, ये दिल दिमाग दिया है, माल मता दिया है, ये सब तुम्हारे पास आजमाइश है। ये अब करने का काम क्या है, कहते हैं कि फसल बिल्कुल खैर,